टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नाइट टू नाइट खाजे ने मारे सुन किचिंग सुन जो तो नो खा खाते हम जब मुंया फरो रोनियल दे बर्मा मान सिंथेटिक फुटबॉल प्लेग्राउंड में खेलना बरम गनांग धीरेन्द्र देव बर्मा ऑनरेबल एमडीसी नाबन या गुलो सिनी ऑनरेबल सीएम तंगो हैप्पी टू से दैट ये स्टेडियम का आज एस्ट्रोटर्फ लगाया जा रहा है और अगर हमें यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देना है जिंदगी में तो उसमें स्पोर्ट्स और पर्सनल फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज जो सुनील छेत्री या बाईचुंग भुटिया ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मंत्री से ज़्यादा बड़ा है। आज जो सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में कोई अचीव करता है तो वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं करता है, अपना आइडेंटिटी के लिए नहीं करता है, पूरा देश के लिए करता है। आज एक सौरव गांगुली ने पूरा बंगाल को क्रिकेट के मैप में लाया। आज एक बाईचुंग भुटिया ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को फुटबॉलिंग मैप में लाया। आज एक सुनील छेत्री ने पूरे इंडिया में दिखाया है कि एक पहाड़ का लड़का नेपाली हो वो इंडिया का कैप्टन बन सकता है। आज आप अर्जेंटीना जाओगे या किसी से बात करोगे, पहला नाम आपके माइंड में अर्जेंटीना का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम नहीं आएगा, मेसी का है। तो स्पोर्ट्स में एक चीज़ है जो एक देश को गर्व देता है। एक दीपा कर्माकर ने त्रिपुरा का नाम को गौरव किया। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो सब लोग दीपा कर्माकर के बारे में बात करते हैं। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो जब म्यूजिक होता है तो सब सौरभी के बारे में बात करते हैं या आर डी बर्मन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीज जिंदगी में राजनीति नेतागिरी से बड़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये एस्ट्रोटर्फ हमने खोला है। अगर त्रिपुरा को और हमारे त्रिपुरासा को आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजनीति में नहीं, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो और भी कला है, राइटिंग हो, उसमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज यूथ को रोल मॉडल चाहिए और सबसे अच्छा रोल मॉडल वही होगा जो फिट हो, जिसने राज्य का नाम उठाया और जिसने अपने देश का नाम उठाया। मैं चाहता हूं कि यहां से ही एक ऐसा प्लेयर निकले जो इंडिया के लिए खेले, नेशनली एंड इंटरनेशनली इंडिया के लिए खेले, और तब मुझे लगेगा कि हाँ एक त्रिपुरासा यहाँ तक पहुँचा है। मैं जानता हूँ कि हमारे यूथ को फुटबॉल में बहुत शौक है, क्रिकेट पे बहुत शौक है और उनको अगर अच्छे तरीके से खेलना है तो ग्राउंड को ठीक होना पड़ेगा, वरना अगर आपका बेसिक टेक्निक में ही, बहुत लोग जो फुटबॉल नहीं खेलते उनको समझ में नहीं आएगा, मैं खेलता था फुटबॉल, मैंने प्रोफेशनली खेला है, और अगर आपका ग्राउंड ही ठीक नहीं रहेगा तो आपका टेक्निक कभी डेवलप नहीं होगा। और अगर आपको एक टैलेंट निकालना है तो उनको आपको बचपन से सिखाना पड़ता है,
एक उम्र के बाद आप ज्यादा नहीं सिखा सकते।